हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। मेरा आज का जो वीडियो है इंडियन नेवी में जो आप लोग की ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है, सिविलियन की वैकेंसी है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की 10 वैकेंसी और पेस्ट कंट्रोल वर्कर की आप लोग की 12 वैकेंसी ओनली और ओनली। यदि आप लोग 10th पास होते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए आप लोग के पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। 18 से 25 साल यदि आप लोग जनरल से हैं और इसके अलावा ओबीसी से हैं तो 18 से 28 साल, एससी एसटी से हैं तो 18 से 30 साल तक आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई ऑफलाइन होने वाले हैं, ठीक है। 8/8/2021 से 28/8/2021 तक आप लोग के यहां पे अप्लाई होंगे और एज जो है आप लोग की 28/8/2021 से ही काउंट होने वाली है। तो ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। फॉर्म कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यदि आप लोग को रिक्रूटमेंट की जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसकी रिक्रूटमेंट वाला वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखिए, आप लोग को ए टू जेड जानकारी मिल जाएगी रिक्रूटमेंट की। तो फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इंडियन नेवी में, तो मैं फॉर्म अप्लाई करना आप लोग को सिखाता हूं। फॉर्म का लिंक मैं आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसमें क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकाल के उसे भरने के बाद आप लोग जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रकार से आप लोग भरेंगे और उसे सबमिट कर देंगे पोस्ट ऑफिस में जाके, ठीक है। रजिस्टर पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से ही आप लोग को भेजना, तो पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो ये फॉर्म है, बहुत ही सुंदर फॉर्म है, साफ सुथरा फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल आप लोग को देनी है। यदि आप लोग ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइवर की डिटेल लिखेंगे, यदि आप लोग पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए लिख रहे हैं तो पेस्ट कंट्रोल वर्कर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए अप्लाई किया है तो वो डिटेल आप लोग को दे दी है। इसके बाद बारी आती है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आप लोग को नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे लिखना है कैपिटल लेटर में, साफ साफ लिखा हुआ, ठीक है, कैपिटल लेटर में ही आप लोग लिखेंगे। और एक जो आप लोगों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोग एक बॉक्स छोड़ देंगे, उसके बाद आप लोग जो है सेकंड, और इसके बाद यदि आप लोगों का थर्ड भी कुछ है तो एक बॉक्स छोड़ के आप लोग थर्ड भी इसी प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद फादर नेम लिखेंगे, फादर नेम भी आप लोग इसी प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। इसमें श्री मिस्टर वगैरह कुछ ऐसी चीजें लगाई नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ आप लोग नाम लिखते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप लोग की जो भी है वो आप लोग लिख देंगे, डेट लिख देंगे, मंथ लिख देंगे और ईयर आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। एक फोटो आप लोग चिपकाएंगे, फोटो को आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मीन्स आप लोग अपना नाम लिखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे और यहाँ पे आप लोग जो है डेट लिख देंगे। तो आधा फोटो पे और आधा जो है फोटो के बाहर होना चाहिए, ठीक है। फेस पे आप लोग ऐसा ना कि फेस पे आप लोग लिख दें, नीचे के साइड आप लोग थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, फेस आप लोग का साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोग फोटो लगाएंगे। इसके बाद बारी आती है परमानेंट एड्रेस, जो भी परमानेंट एड्रेस है, लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, पूरी पूरी डिटेल आप लोग छोड़ दे देंगे, ठीक है, बॉक्स छोड़ते हुए। इसके अलावा आप लोग जो पिन कोड, टेलीफोन नंबर, स्टेट की जानकारी आप लोग को देनी है, किस स्टेट से आप लोग आते हैं। चलिए इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट है यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, जी हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आप लोग उसी प्रकार से लिख देंगे जैसे कि परमानेंट एड्रेस लिखा, अलग है तो अलग लिख देंगे, सेम है तो सेम उतार देंगे, ठीक है। पिन कोड, टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ लिख देंगे। स्टेट की जानकारी आप लोग को देनी पड़ेगी, जिस स्टेट से आप लोग आते हैं, मोबाइल नंबर आप लोग दे देंगे, ईमेल आईडी आप लोग यहाँ पे दे देंगे, यदि है तो दे देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल फोन तो सभी का होता है तो मोबाइल फोन तो आप लोग जरूर देंगे। इसके बाद आप लोग का सिक्स्थ है, सिक्स्थ में आप लोग को यहाँ पे राइट लगाना है किस कैटेगरी से आप लोग आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यू, जम्मू, जेएनके, एमएसपी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम या फिर डिपार्टमेंटल, ठीक है, जो भी आप लोग टिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग आधार कार्ड डिटेल, जी आधार कार्ड नंबर आप लोग को देना है, पूरा 12 डिजिट का आप लोग का आधार कार्ड नंबर होगा। इसके बाद आप लोग यदि आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहां पे डिटेल दे देंगे, ठीक है, डिजेबिलिटी, कौन सी डिजेबिलिटी आप लोग की, परसेंटेज क्या है और सब्सक्राइब वगैरह आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो ये आप लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का, ठीक है, दोनों ये पूरा का पूरा फॉर्म है आप लोग का, दो पेज का आप लोग का फॉर्म है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आप लोग का है जेंडर, आप लोग लगाएंगे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है आप लोग उस पर टिक कर देंगे। नेशनलिटी आप लोग की क्या है, इंडियन आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस आप लोग की क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेट है, जो भी आप लोग लिख देंगे, ठीक है। रिलीजन आप लोग का जो भी है वो लिख देंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 13वां आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसकी जो है सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी भी आप लोग को लगानी पड़ेगी जो कि आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा। इसकी जानकारी मैं आप लोग को आगे देने वाला हूं, तो आप लोग देखेंगे जो भी डिटेल आप लोग दे रहे हैं, 10th की डिटेल आप लोग को देनी जरूरी है। 12th भी कर रखी है तो आप लोग 12th की डिटेल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है, 10th, 12th, यूनिवर्सिटी कौन सी है, बोर्ड कौन सी है उसकी डिटेल दे देंगे, किस ईयर में आप लोग पास हुए थे वो डिटेल देंगे, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड, कितने मार्क्स आप लोगों ने प्राप्त किए थे वो लिखेंगे, इसके अलावा कितनी परसेंटेज आप लोग की आई थी वो लिखेंगे, डिवीजन आप लोग की क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी थी वो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद 14 है, यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ड्राइवर की पोस्ट है, जैसे कि आप लोग को एक्सपीरियंस यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट को आप हेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस कौन सा है आप लोग का, इसके अलावा कब से कब तक आप लोगों ने जॉब करी है, इसके अलावा टोटल पीरियड, ईयर एंड मंथ में आप लोग डिटेल देने, नेचर ऑफ ड्यूटी आप लोग की क्या है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, जैसा भी आप लोग डिटेल आप लोग दे देंगे।
इसके बाद 15 है आप लोग का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। जी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप लोग लिखना है, शरीर पे कहीं भी जलेगा कटेगा कोई भी निशान हो, ठीक है, व्हाइट मार्क ऑन राइट हैंड एल्बो मैंने लिख दिया, ठीक है, आप लोग के शरीर पे जहां भी जैसे भी निशान हो आप लोग को उसकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बारी होती है डिक्लेरेशन की, डिक्लेरेशन में आप लोग को नीचे आना है, प्लेस जहां से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, डेट आप लोग देंगे, सिग्नेचर आप लोग कर देंगे, एनक्लोजर, जी हाँ, जो जो फॉर्म के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लगा रहे हैं उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने 10th का सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 1 एनवलप एफिक्स, 45 रुपीज स्टैम्प, ठीक है, 45 रुपए का स्टैम्प लगा हुआ, मैं एक एनवलप भेज रहा हूँ। इसके अलावा फोर्थ यहाँ पे नहीं था तो मैंने फोर्थ लिख के लिख दिया यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग जो जो चीजें लगा रहे हैं वो चीजें आप लोग डिटेल यहाँ पे दे देंगे, पूरा पूरा सिग्नेचर आप लोग कर देंगे, थंब इम्प्रेशन आप लोग लगा देंगे, ठीक है, थंब इम्प्रेशन लिखा हुआ यहाँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा राइट एंड लेफ्ट, तो आप लोग लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ही लगाएंगे क्योंकि इसे ही लगाया जाता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद आप लोगों का ये फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, फोटो को सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आती है आप लोग मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। अब इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स, जी हाँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं इसकी जानकारी भी आप लोग के पास होनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंडियन नेवी ग्रुप सी की जो वैकेंसी निकली हुई है फ्री है, फ्री फॉर्म है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से ऑफलाइन अप्लाई है, ठीक है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की 10 वैकेंसी है, पेस्ट कंट्रोलर की 12 वैकेंसी है, पेस्ट कंट्रोल ओनली 10th पास है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की जो है लास्ट डेट यहाँ पे 28/8/2021 है, 28/8/2021 को आप लोग ऊपर लिखेंगे, अपनी एज नीचे लिखेंगे, इसके बाद माइनस करने के बाद आप लोग की एज काउंट हो जाएगी ईयर में, मंथ में और डे में, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाने हैं इसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड पीछे लिखा पड़ा हो, ठीक है, और पूरा नाम आप लोग के फोटो के पीछे लिखा हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि 10th 12th, इसके अलावा जो भी आप लोगों ने कर रखी है जो भी आप लोग देना चाहते हैं, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट आप लोग लगाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा SC ST OBC जिससे भी आप लोग आते हैं उसका सर्टिफिकेट लगा देंगे जो कि आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा, यदि एक्सपीरियंस मांगा है तो उसका सर्टिफिकेट लगा देंगे वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट लगा देंगे वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा, यदि नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप लोग पीएच कैंडिडेट हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा देंगे वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा, यदि ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा देंगे वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं लगाएंगे, डॉक्यूमेंट लगाने आप लोग यानी कि फोटो स्टेट आप लोग को लगाना है जिसे कि आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। यदि आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो NOC लगा देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो भी आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होगा। एक स्वय पता लिफाफा जिसपे 45 रुपए का डाक टिकट लगा हो आप लोग को साथ में भेजना है, जी हाँ, एक लिफाफा जिसपे कि आप लोग का एड्रेस लिखा हो, फोन नंबर लिखा हो, 45 रुपए का यहाँ पे डाक टिकट लगा हो आप लोग को साथ में भेजना है, ठीक है, ये आप लोग का एनवलप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आप लोग का रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से फॉर्म को सेंड करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी क्या है लिखना है आप लोग को एनवलप के ऊपर, एड्रेस आप लोग को पूरा पूरा दे दिया, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर स्टाफ ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर साउथर्न नेवल कमांड कोच्ची 6/8/2004, ठीक है, ये आप लोग का एड्रेस है, ध्यान से देखिए आप लोग एड्रेस देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए, सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई मिस्टेक आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स में नहीं होनी चाहिए, जी हाँ डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताया वो आप लोग जरूर लगेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एजुकेशनल में जैसे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होगी आप लोगों को लगानी जरूरी है, ठीक है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है आप लोग देखिए, एक बार दो बार तीन बार आप लोग वीडियो को पुश करके देखेंगे कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आप लोग का फॉर्म हो गया, फॉर्म पे फोटो लगाएंगे, फोटो लगाने के बाद उसे अटेस्ट कर देंगे, ठीक है, एक एनवलप आप लोग को अंदर भेजना है जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग का हो गया। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट है आप लोग के वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नाम लिखेंगे, ठीक है, सिग्नेचर करेंगे, डेट लिखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, इस प्रकार से आप लोग सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट को कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट आप लोग के हो गए, फॉर्म आप लोग का हो गया, ठीक है, फॉर्म और डॉक्यूमेंट हो गया, इसे आप लोग पिन कर देंगे, पिन लगा देंगे, और इसके बाद एक एनवलप आप लोग रख देंगे जिसपे कि आप लोग के 41 रुपए के डाक टिकट लगे हो, साथ में भेजना है, और 2 फोटो आप लोग को भेजने हैं, जी हाँ 2 फोटो भेजने हैं, इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फोटो के पीछे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है, डेट आप लोग को लिख दिया, इसके बाद आप लोग को जो अपना नाम पूरा पूरा नाम नीचे लिख देना है, इस प्रकार से आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके पूरा पूरा नाम अपने जो है फोटो के पीछे लिख देंगे, ठीक है, पेन से आप लोग लिख देंगे, पेन से फोटो के पीछे, तो ये आप लोग का जो है 2 फोटो हो गए, दोनों फोटो आप लोग को यहाँ पे सेंड करना है साथ में। अब बात ये आती है कि सारे डॉक्यूमेंट और फोटो हमने इकट्ठे कर लिए, भेजना कैसे, तो आप लोग देख सकते हैं ये है आप लोग का एनवलप, इसी के अंदर आप लोग को सारी चीजें भेजनी है। तो सबसे ऊपर आप लोग लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए कर रहा हूं तो मैंने वो लिख दिया, कैटेगरी आप लोग CAT करके जो भी कैटेगरी है जनरल ओबीसी एससी यहां पे आप लोग लिख देंगे, आप लोग को डिटेल है एड्रेस की, 2 द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर स्टाफ ऑफिसर ब्रैकेट में सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर साउथर्न नेवल कमांड
कोची 6@2004, ठीक है, 68204, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। इसे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही आप लोग भेजेंगे। एड्रेस एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग देखिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एड्रेस लिखेंगे, वीडियो को पुश करके आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का एड्रेस है, ठीक है। तो ये आप लोग का एनवेलप हो गया, इसे अलग रखिए, जो भी डॉक्यूमेंट थे, फोटो थे, आप लोग इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो है आप लोग इसे इसमें डाल देंगे, जो आप लोग का बिग एनवेलप है इसमें आप लोग इसे डालेंगे, ठीक है। डालने के बाद आप लोग इसे पेस्ट कर देंगे, यानी कि आप लोग इसे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद आप लोग अपने डाकखाने में जाएंगे, डाकखाने में जाकर के आप लोग जो भी स्पीड पोस्ट वगैरह करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है आप लोग कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का एनवेलप रेडी हो गया है। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, नेवी ग्रुप सी में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकली हुई थी, इसी प्रकार से आप लोग फॉर्म भरेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले ये कहूंगा, यदि चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहे। ओके, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।